जी, कैसा लगा ये रोड शो? बहुत जोश है, बहुत उत्साह है, हमारे नौजवानों में बहुत उत्साह है, हमारी माताएं बहनें सभी लोग आज इस रोड शो में शामिल होके और सबने निशिकांत दुबे भैया की जीत पक्की कर दी है, क्योंकि आजादी के बाद जिन्होंने गोड्डा लोकसभा में रेलवे लाइन बिछवाया, जिन्होंने यहाँ से 13-13 ट्रेनें चलाई, यहाँ हवाई अड्डा बना करके यहाँ से हवाई जहाज उड़ाए, जो 4 लेन कनेक्टिविटी कर रहे हैं हमारे गोड्डा में, जो एम्स लेकर आए गोड्डा में, ऐसे निशिकांत दुबे भैया फिर से जीत के सदन में जाएंगे और गोड्डा को और विकास के रास्ते पे। आप तो कई बार आए हैं, देवघर आए हैं, हम प्रदीप यादव जी मुकाबले में हैं, उनका कहना है कि निशिकांत जी लोगों के बीच नहीं जाते, गरीबों के घर नहीं जाते, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे भैया ही एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो जन जन के प्रिय है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और गोड्डा जो लोकसभा है ये भी विकास के रास्ते पे तभी तेजी से आगे बढ़ता रहेगा जब यहाँ से निशिकांत दुबे भैया जीतेंगे। निशिकांत जी से जब आपकी बात होती है तो गोड्डा के बारे में वो किस तरह से चर्चा करते हैं, देवघर के बारे में कैसे चर्चा करते हैं, और आप कैसे खींचे देवघर चले आते हैं? मुझे लगता है कि देवघर से तो हम लोगों का बचपन से लगाव है, हम तो बचपन से यहाँ जल चढ़ाने आते थे, और निशिकांत दुबे भैया जब से हम लोग को मिले हैं सदन में तो सभी सांसदों को भी लेके आए, जब पहली जहाज यहाँ आई, उसके अलावा यहाँ नए नए रोजगार लेके आ रहे हैं, नया नया यहाँ पे फैक्ट्री लगाने का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ के जो हमारे नौजवान हैं सबको यही रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऐसे निशिकांत भैया को भारी मत से जिले हुआ जी, अपने अंदाज में कैसे आह्वान करेंगे गोड्डा और संथाल की जनता से? मैं तो यही कहूंगा कि सीधे कमल का बटन दबाना है, निशिकांत जी को जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। आम्रपाली जी, आप भी बराबर देवघर आते हैं बाबा बैद्यनाथ की नगरी, लेकिन ये चुनाव प्रचार के दौरान आई हैं, कैसा माहौल लग रहा है पहले और चुनाव के दौरान? बहुत अच्छा माहौल है, पूरा का पूरा गोड्डा भगवामय हो गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, गोड्डा में फिर कमल खिल रहा है और निशिकांत भैया फिर भारी बहुमत से जी। कैसे खींचे चले आते हैं आप लोग मुकाबले में? यहाँ तो इंडिया अलायंस के प्रदीप यादव जी हैं, आप लोग कैसे यहाँ पे पहुँच जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या भाव जगता है? इंडिया अलायंस के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है, यहाँ पर हमारे बाबा की नगरी है और ये हमारे निशिकांत भैया यहाँ पे जितना विकास कार्य कर रहे हैं, चाहे 4 लेन हो, चाहे एम्स हो, चाहे ऐसी कई तमाम चीजें हो, तो वो देखने के बाद, निशिकांत भैया की मेहनत देखने के बाद हर बार उनके चुनाव प्रचार में आने का। आपके अंदाज में आप कुछ गुनगुना के, आपके अंदाज में? मेरे अंदाज में सिर्फ यही कहूंगी, अब की बार 400 पर चरोर सुनाते बा, आगे की लाइन दिनेश जी। अरे गोड्डा के यहाँ बच्चा बच्चा निशिकांत भैया के साथ है बा, और आपने एक बात कहा कि इंडी अलायंस यहाँ लड़ रहा है, उन लोगों का हाल तो ये है कि जो हलवाई है उनके लड्डू का ऑर्डर भी नहीं ले रहा है, कह रहा है कि पहले 100% पैसा जमा करो क्योंकि चुनाव के बाद तुम लोग आते ही नहीं हो लेने के लिए, तो उन लोगों का तो हाल ये हो गया है कि देश उनको नकार दिया है और हलवाई भी नकार दिया कि उनके लड्डू का वो ऑर्डर भी नहीं ले रहा, कह रहा पूरा पैसा जमा करो तब ऑर्डर ले। गर्मी जो है वो कैसा पारा बना दिया है देवघर के चुनावी फिजा का, और किसके पक्ष में? मुझे लगता है कि विकास के लिए गोड्डा के लिए निशिकांत भैया जरूरी है, और इसीलिए ये जो हुजूम आपको दिख रहा है, ये जो आशीर्वाद प्यार दिख रहा है, ये निशिकांत भैया के लिए है, हमारे मोदी जी के लिए है, और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। बहुत बहुत शुभकामना निरहुआ जी, आप 99 न्यूज से, 99 के दर्शकों को आप क्या कहेंगे? 99 न्यूज के दर्शकों, 99 न्यूज के जो हमारे दर्शक हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनी रहे हैं, आप लोग भी कहिए कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 99 न्यूज के दर्शकों को क्या कहेंगी? देखते रहिए 99 न्यूज।
चरण के जितने वोटर्स बाकी है प्लीज गो वोट। थैंक यू। देखिए और मिताली दुबे जी और निरहुआ दोनों रोड शो में है और हुजूर है वो आप देख रहे हैं सहयोगी ब्रूट जर्नलिस्ट उमेश के साथ चंदन देवघर।